हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेट करें कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे की ज़रूरत होगी, या कैसे पता करें कि रिटायरमेंट के टाइम पे आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। तो बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, बट यहाँ मैं यहाँ पे fundbazaar.com का कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें करंट एज पूछेगा, तो मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने लेट थोड़ा प्लानिंग किया, लेट से 40 ईयर्स की एज में किया प्लानिंग, और एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज जो नॉर्मल रिटायरमेंट एज है 58, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कब तक वो जिएगा, मानते हैं वो अगर 80 साल तक जीता है, और उसका करंट मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। करंट मंथली एक्सपेंसेस में आपको जो लोन की ईएमआई वगैरह है ये सब नहीं डालना है, सिर्फ वो एक्सपेंसेस डालने हैं जो आपके खाने पे और आपके रहने पे, आपकी मेडिसिन वगैरह पे, यानी कि जो डेली के खर्चे हैं उनको जोड़ना है। तो मान के चलते हैं अगर किसी का 25 हज़ार का खर्चा है और इन्फ्लेशन मान के चलते हैं, अभी तो इन्फ्लेशन कम हुआ है बट फिर भी हम 7% इन्फ्लेशन मान के चलते हैं, पोस्ट रिटायरमेंट इंटरेस्ट रेट यानी कि जब आप रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद जो आप जिस इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा रखेंगे उससे आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो 8.5 से 9% के बीच में मिलता है। मैं 8% इसको मान के चलता हूँ। अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट फॉर, अभी अगर इस एज तक मान लीजिए आपने कुछ ऑलरेडी बचा रखा है, जैसे कि मान के चलता हूँ अगर लेट्स से 5 लाख अभी बचा हुआ है और जो आपने इन्वेस्ट कर रखा उस पे आपको 12% का लेट्स से रिटर्न मिलता है, सॉरी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिलता है। मान लीजिए आपका ईपीएफ या पीपीएफ जो भी है उस पे 8.5 से 9% का रिटर्न मिलता है, तो 8% मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, और जो आप न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें मान लीजिए 12% का आपको रिटर्न मिलता है। न्यू लमसम इन्वेस्टमेंट फॉर गोल, अगर आप कुछ न्यू लमसम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ डालिए, अगर नहीं किया तो इसको 0 रहने देते हैं। अब इसको नेक्स्ट क्लिक करते हैं। अब देखिए बता रहा कि अगर 25 हज़ार आपका करंट मंथली एक्सपेंस है तो उसके हिसाब से आपके पास टोटल रिटायरमेंट के टाइम पे 2 करोड़ होने चाहिए, 2 करोड़ 2 लाख, तो मोटा मोटा मान के चलते हैं 2 करोड़। अगर 2 करोड़ होने चाहिए तो उसमें से अभी आपके पास कितना है, अगर आपने 5 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है जिसपे आपको 8% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो नेक्स्ट 18 ईयर्स में 18 साल में करीब करीब 20 लाख हो जाएगा, तो आपको करीब 1 करोड़ 82 लाख और चाहिए होगा। उसको अचीव करने के लिए आपको हर महीने 25,666, मैं टोटल मान के चलिए लमसम 25,000, अगले 18 साल तक आप 25,000 रेगुलर सेव करेंगे तो ये आप 2 करोड़ का टारगेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें पैरामीटर्स चेंज भी कर सकते हैं कि जैसे आपको एज चेंज करनी है या एक्सपेंस चेंज करनी है या लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेंज करनी है, जैसे मान लीजिए अगर 20 हज़ार इसको डालते हैं मंथली एक्सपेंस को और इन्फ्लेशन 7% ही है, पोस्ट रिटायरमेंट 8% इंटरेस्ट रेट, ये सब कुछ इतना ही अगर रहने देते हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट लेट से 5 से 6 लाख कर देते हैं, और एग्जिस्टिंग पे 8%, न्यू पे 12%, फिर नेक्स्ट करते हैं। तो अब ये बोल रहा है कि आपको 1 करोड़ 62 लाख चाहिए, क्योंकि 20 हज़ार आपका मंथली एक्सपेंस कम हो गया है और एग्जिस्टिंग भी आपके पास 6 लाख था तो वो बढ़ के 23 लाख हो जाएगा तब तक 18 साल में, यानी कि टोटल फंड जो आपको अभी चाहिए होगा जो सेव करना है
वो 1 करोड़ 60 लाख के करीब है, यानी कि हर महीने आपको 22 हज़ार 22.5 हज़ार के आसपास सेव करना होगा। अब इसी को देखिए, अगर किसी ने 30 साल की एज में स्टार्ट किया होता सेम सेविंग, और मान लीजिए 30 साल पे उसने शुरू किया होता और एक्सपेक्टेड रिटायरमेंट एज इतनी ही रहने देते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी करंट मंथली एक्सपेंस भी इतना ही रहने देते हैं, सब कुछ ये रहने देते हैं, करंट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट लेट से अभी उसके पास ज़्यादा 1 लाख है सिर्फ, अब जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% ही रहते हैं, अब देखते हैं कितना होगा। इस केस में देखिए, क्योंकि टाइम 28 साल हो गया, 18 साल से 28 साल टाइम हो गया, तो उस टाइम तक उसको 3 करोड़ चाहिए होगा, और करंट सेविंग जो होगी उसकी वो 8,62,000 हो जाएगी, और जो फंड चाहिए होगा वो 3 करोड़ 10 लाख का चाहिएगा, उसके लिए उसको सिर्फ 12,000 हर महीने जमा करने हैं। तो जितनी जल्दी रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आपका मंथली सेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो कोशिश करें अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करें। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।